गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों बीटीसी का हाल आप सभी से छुपा नहीं है। बीटीसी का अगर अब मूवमेंट की बात करेंगे तो 27,000 के आसपास बीटीसी ट्रेड कर रहा है एंड बीटीसी के साथ हर एक कॉइन में आपको डाउनफॉल दिख रहा होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्लोकी इनू का, तो फ्लोकी इनू ने फाइनली बाइनांस की सीढ़ी चढ़ ली है। जी हाँ दोस्तों, फ्लोकी इनू का बाइनांस ईवर्स की लिस्टिंग हो चुका है, जिसके कारण अल्टीमेटली कल आपको फ्लोकी इनू में बहुत बड़ा बूम देखने मिलेगा, मतलब तगड़ा प्रॉफिट। अगर हम बात करेंगे लगभग 80-90% स्पॉट पे आपको प्रॉफिट मिला होगा। जी हाँ दोस्तों, ये चीजें मैंने आपको कहा भी है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर देखते हो तो मैंने क्लियर 10-12 दिन पहले दो दो वीडियो पे आपको बताया कि बहुत जल्द यूएस बाइनांस यूएस पे फ्लोकी इनू का लिस्टिंग होगा एंड फाइनली वो चीजें आपको देखने मिली। मैंने आपको ये भी कहा था कि फ्लोकी इनू में लगभग अगर आप एंट्री लेते हो तो 30, 31, 29 इस रेंज में आप फ्लोकी इनू पे एंट्री ले सकते हो। एंड अगर आपने चाहे स्पॉट या फिर चाहे फ्यूचर ट्रेड पे फ्लोकी इनू में 28, 29, 30, 31, 32 के सीरीज में भी आपने बाय करके रखा होगा तो आपका पोर्टफोलियो दोस्तों 4 चांद एंड यहां पर रिटर्न भी दोस्तों दबा के मिला होगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कुछ चैनल को सब्सक्राइब और साइड वाले बेल आइकन कर दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। अब ये चीजें आपको हर एक यूट्यूबर मतलब जब लिस्टिंग हो गया उसके बाद बताया होगा कि नहीं बाइनांस यूएस की लिस्टिंग फ्लोकी इनू का हो गया, लेकिन हमने आपको अपडेट दिया था वो भी लगभग 10-12 दिन पहले, एक एक नहीं दो दो वीडियो पे बोला था कि बहुत जल्द बाइनांस यूएस पे कुछ चल रहा है, फ्लोकी इनू का लिस्टिंग होगा एंड देखिए वो चीज फाइनली आपके सामने। आज की अपडेट की बात करेंगे दोस्तों, फ्लोकी इनू को लेके क्या कुछ आने वाले दिनों पे हो सकता है, कितना जीरो फ्लोकी इनू किल कर सकता है, बाइनांस की लिस्टिंग की पॉसिबिलिटीज कहां तक है, हर एक चीज पे डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ बात करेंगे दोस्तों स्वी टोकन का एड्रॉप का क्या हुआ एंड बात करेंगे दोस्तों बिटकॉइन प्राइस। जी हां, बिटकॉइन प्राइस द किलर बन सकता है, आगे क्या कुछ अपडेट है हर एक अपडेट में डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं हम आज की करंट मार्केट की अपडेट, यानी कि दोस्तों कुछ पॉजिटिव न्यूज से। जैसे कि आप देख सकते हो जिम्बाब्वे ने यहां पर पहला डिजिटल करेंसी क्रिएट किया है, गोल्ड बैक क्रिप्टो करेंसी। अब ये कहीं ना कहीं पहला स्टेप है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट या फिर क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल एसेट से अगर हम बात करेंगे एक एसेट का वैल्यूएशन को देने के लिए। अगर आप देखोगे गोल्ड बैक क्रिप्टो करेंसी हुआ, जैसे गोल्ड बैक हमें यहां पर फिएट करेंसी दिखता है, तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा कि गोल्ड बैक क्रिप्टो करेंसी या फिर गोल्ड बैक फिएट पे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो धीरे धीरे करके बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर हो रही है क्रिप्टो इंडस्ट्री में। पहली बात करेंगे दोस्तों यहां पर हम कू कॉइन को लेके, यानी कि दोस्तों कू कॉइन की जो स्वी टोकन को लेके क्या कुछ अपडेट्स है। अब कल यहां पर स्वी टोकन का अगर मैं बात करूं टिकट एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन किसको कितना मिलना था वो चीज होना था, लेकिन स्वी टोकन का एड्रॉप को पोस्टपोन करके यहां पर मैं अगर बात करूं 2 तारीख को शिफ्ट कर दिया, अगले महीने का 2 तारीख को शिफ्ट कर दिया, यानी कि मई महीने का 2 तारीख को आपको यहां पर स्वी टोकन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा उनको एड्रॉप में मिलेगा। कितना मिलेगा ये तो दोस्तों आपने कितना होल्डिंग्स रखा एंड आपको क्या मिलेगा सुपर डिटेल, लेकिन अगर आप डेट की बात करोगे तो यहां पर इसको पोस्टपोन कर दिया गया जैसे कि यहां पर बताया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट की बात करूंगा दोस्तों फ्लोकी इनू का बाइनांस की लिस्टिंग एंड यूएस बाइनांस की लिस्टिंग की ऑलरेडी परफॉर्मेंस की बात करेंगे। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं आप देख सकते हो लगभग 900% यहां पर इसका बाइंग का प्रेशर बना हुआ है, लोग बाय कर रहे हैं। क्या रीजन है यहां पर, वही सिर्फ मतलब बहुत बड़ी न्यूज है, कोई छोटी न्यूज नहीं है, बाइनांस यूएस पे लिस्टिंग होना। बाइनांस यूएस पे दोस्तों आपको ज्यादा करेंसी पेयर नहीं दिखेगा, 18-20 करेंसी पेयर है जिसमें अभी फ्लोकी इनू लिस्ट हो चुका है। जो 18-20 करेंसी पेयर है वो कहीं ना कहीं दवा के मतलब अगर मैं बात करूं यूटिलिटी टोकन एंड ट्रस्टेबल टोकन है एंड ये चीजें फ्लोकी इनू को बहुत ऊपर लेके जाएगी। बाइनांस यूएस जैसा अगर मैं बात करूं यहां पर लिस्टिंग दिया है तो कल को आपको शायद दोस्तों यहां पर कल मतलब कल नहीं बहुत जल्द एंड फाइनली अगर बात करूं बाइनांस यूएस पे लिस्ट हो चुका है तो डेफिनेटली यहां पर एंडिंग ऑफ दिस ईयर आपको फ्लोकी इनू बाइनांस पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा, मतलब 2023 का एंडिंग तक बाइनांस की लिस्टिंग एंड पॉसिबल है दोस्तों फ्लो जल्द शायद 2-0 किल करे। देख सकते हो यहां पर बहुत ही उस लेवल का इसका लास्ट 24 आवर का परफॉर्मेंस रहा एंड अगर हम बात करेंगे बाइनांस यूएस की अगर यहां पर लिस्टिंग की अनाउंसमेंट तो ऑलरेडी एक मासिव एक्सप्लोजिव इवेंट था फ्लोकी इनू के लिए, क्योंकि अगर हम बात करेंगे 25 तारीख यानी कि दोस्तों अगर मैं बात करूं कल से यहां पर इनका जो स्ट्रैटेजिक
मतलब बैडमिंटन के साथ इनका जो चला है वो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलने वाला है, ह्यूज मार्केटिंग कैंपेन। एंड अगर आज की बात करूंगा तो उससे पहले धमाका कर दिया फ्लोकी इनू ने, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इंडिकेट करता है कि फ्लोकी इनू आपको एक जबरदस्त रिटर्न देगा बहुत जल्द। एंड ऊपर से यहाँ पर मतलब ट्वीट्स आना बाकी है, सिर्फ और सिर्फ आधी छोटी से छोटी ट्वीट यहाँ पर आना बाकी है। इलोन मस्क का देन आग लगने का सिर्फ और सिर्फ देरी है, एंड यहाँ पर रॉकेट की तरह उड़ने वाला है ये कॉइन बहुत जल्द। आपको 1 से 1.5 सालों में ये कॉइन रियली में आपको लाखों करोड़ों का रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है। आप होल्डिंग अब कितना रखोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की बिटकॉइन प्राइस को लेकर क्या कुछ चल रहा है। अब बिटकॉइन प्राइस की इकोसिस्टम की बात करेंगे तो डेवलपर्स एंड में बात करूं करंट अपडेट की तो बहुत सारे बड़े बड़े जायंट्स इन्वेस्टर का आर्किटेक्चरल ब्लॉकचेन एंड रिवोल्यूशनल थिंग इन फ्यूचर ऑफ बिजनेस। तो इसका मतलब क्या है, तो क्लियरली अगर मैं कहूं बिटकॉइन प्राइस का इकोसिस्टम में जो फल फूल रहा है, अगर हम बात करेंगे जो चल रहा है वो तो चल रहा है, लेकिन जो फल फूल रहा है यानी कि इकोसिस्टम में जो मासिव लेवल का ग्रोथ जो एडेप्शन मिल रहा है बिटकॉइन प्राइस की, यहां पर बात करेंगे ब्लॉकचेन की, बात करेंगे बिटकॉइन प्राइस का एक्सचेंज, बात करेंगे बिटकॉइन प्राइस की जो कुछ इकोसिस्टम में डेवलपमेंट चल रहा है, दिस इज द किलर पीम। अगर बात करोगे अभी की तो अभी दोस्तों शायद ये सोया हुआ जायंट है, बहुत जल्द अगर बात करेंगे दिस इज ए स्लीपिंग जायंट आप कह सकते हो बिटकॉइन प्राइस, बहुत जल्द ये कॉइन आपको देगा बहुत जल्द इलना सेस 2, 4, 6, 8 महीने के अंदर। दिस इज द मुझे लगता है 2023 का एंडिंग तक बिटकॉइन प्राइस बहुत कुछ करने वाला है एंड बहुत तगड़ा रिटर्न देगा। एंड ऑब्वियसली जो सर्कुलेटिंग सप्लाई दिस इज नॉट ए ह्यूज, मतलब यहाँ पर इतने सर्कुलेटिंग सप्लाई वाले कॉइन फल फूल टिक रहे हैं एंड उनमें अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। एंड दिस इज द इकोसिस्टम, अगर हम बात करेंगे जो प्योरली अगर आप कहोगे एप्पल जैसा खुद का इकोसिस्टम बिल्टअप कर चुका है, तो उस तरीके से एक इकोसिस्टम को बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है बिटकॉइन प्राइस की ओर से। एंड ये कोशिश कहीं ना कहीं एक बेटर रिजल्ट एक बेटर आउटकम निकल के देने वाला है बहुत जल्द। सो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं, बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।